दुआओं की कबूलियत के पांच औकात, अज़ान और इकामत के दरमियान फ़र्ज़ नमाज की अदायगी के बाद, बारिश बरसते वक्त, तहज्जुद के वक्त, सफ़र में। अगर अल्लाह पाक तुम्हारी दुआएं पूरी कर रहा है, वो तुम्हारा यकीन बढ़ा रहा है। अगर दुआएं पूरी करने में देर कर रहा है, तो तुम्हारा सब्र बढ़ा रहा है। अगर तुम्हारी दुआओं का जवाब नहीं दे रहा, वो तुम्हें आजमा रहा है। इसीलिए हमेशा दुआ मांगते रहा करो। आज हम दुआ मांगते नहीं पढ़ते हैं, जैसे तोता रटे रटाए जुमले पढ़ता है, इसी तरह हमारी दुआओं का हाल है। अल्लाह के बंदो, दुआ तो दिल की गहराई से निकली हुई आह होती है, जो कि सीधी अर्श को चीर कर अल्लाह ताला तक पहुंच जाती है। ऐ अल्लाह पाक, हमारी जो ज़िंदगी गुजर गई, इस पर हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं। हमें माफ़ कर, जो ज़िंदगी बाकी है, इस पर हम तेरी रहमत के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, वो हम पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। अमीन, बिजाह नबी की अमीन।